सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल खबरों का विस्तार करांगे, पर सब तो पहले एक नज़र हुण तक दीआं सुरखियां ते। भारत सरकार ने कोविड 19 के मद्देनज़र लिया वड्डा फैसला। 1 मई तो आरंभ होगा कोरोना टीकाकरण का तीजा पड़ाव। 18 साल तो वध उम्र के सारे लोगों नूं लगेगी वैक्सीन। भारत च कोरोना का कहर जारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी 6 दिन के लॉकडाउन का किया ऐलान। कोरोना वायरस के कहर के दरमियान पंजाब के मुख्यमंत्री ने की कोविड रिव्यू बैठक। पंजाब च वधाई गई सख्ती। ऐतवार को लॉकडाउन के ऐलान समेत होर गाइडलाइनस की गई जारी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रद्द किया भारत का दौरा। भारत च कोरोना के बढ़ रहे मामलों के मद्देनज़र लिया फैसला। अगले हफ्ते भारत का दौरा करने वाले सन बोरिस जॉनसन। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत च कोरोना वायरस के वधदे प्रभाव नूं रोकण लई केंद्र सरकार ने वड्डा फैसला लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अज डॉक्टर नाल बैठक की, जिस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि कोविड टीकाकरण के तीजे फेज तहत 1 मई 2021 तो 18 साल तो वध उम्र के सारे लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। कोरोना वायरस की लाग कारण देश की राजधानी दिल्ली में स्थिति बद तो बदतर होंदी जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया। यह तालाबंदी अज रात 10 बजे तो अगले सोमवार यानी कि 26 अप्रैल सवेरे 5 बजे तक लगाई गई है। एमरजेंसी सेवावां नूं छूट रहेगी। कोरोना लाग नाल निजेठण लई 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाउण दा ऐलान करन तों बाद दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों नूं भावुक अपील की है। केजरीवाल ने कहा, प्रवासी मजदूरों नूं हाथ जोड़ के अपील करना चाहुंदा हां कि दिल्ली छड्ड के ना जाओ। यह छोटा जिहा लॉकडाउन है, सरकार तुहाडियां सारियां जरूरतां दा ध्यान रखेगी। उन्होंने यह भी कहा कि फैसला असीं बहुत मजबूरी च लिया। दिल्ली च वध रहे कोरोना के केसों के मद्देनज़र दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी मानवता की सेवा लिए अगे आई है। इसे तहत दिल्ली कमेटी के जनरल सकत्र हरमीत सिंह कालका ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली कमेटी दिल्ली सरकार को पेशकश करती है कि दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के गुरद्वारा साहबान दरावान कोविड मरीजों की देखभाल दी जा सकदियां ने। कालका ने कहा कि कुछ गुरद्वारा साहबान के लंगर हाल भी इस कार्य लिए वरते जा सकते हैं। उन्हें कहा कि मरीजों को दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों लंगर दिता जाएगा। अज दी विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस जी एमरजेंसी बुलानी पई, क्योंकि देश दे विच जो हालात करोना महामारी नूं लैके बन रहे और खास तौर पर दिल्ली शहर दे विच जिस तरीके दे नाल पिछले 4 दिनों दे विच केसिस इन्ने वधे हैं, उन्हां करके किसी हॉस्पिटल दे विच जगह नहीं मिल रही, लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होने करके ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे और लोग तराई तराई कर रहे हैं, एम्बुलेंसेज उन्हां तक पहुँच नहीं पा रही ताकि वह हॉस्पिटल के पहुँच सकन। सो इस देखते हुए जिस तरीके के नाल दिल्ली सरकार ने अज अगला 1 हफ्ता लॉकडाउन लाने का भी फैसला किया है, 2 दिन पहले भी लगाया शनिवार और इतवार को, और इस शनिवार इतवार के घट तो घट 200-400 केस यहोजे आ गए साडे कोलों, कॉल्स वखरे वखरे मैंबर साहबान को वखरे वखरे साडे अहुदेदार साहबान को कि सानू कमरे अवेलेबल नहीं हो पा रहे। बहुत ज़्यादा जिथे साडा सिख समाज के खास तौर पर जी, क्योंकि इस वक्त इलैक्शन का भी दौर चल रहा है, लोगों के एक उन्होंने आस होंगी कि लोग साढ़े भी साड़ी गल सुनेंगे और सिखा दे विच असी विचर रहे सी। इस करके सानू अपनी जिम्मेवारी, क्योंकि पिछले समय के भी लोगों को बड़ी वड्डी उम्मीद है दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी तो रहती है। पिछले समय के जिस तरीके के नाल लॉकडाउन शुरू होया सी, घर घर के लंगर पहुँचाने का काम साड़ी कमेटी ने किया सी, और इस बारी भी असी फैसला लिया क्योंकि कई परिवार यहोजे सानू सुनने चाहिए ने जिन्हों के घर के सारे जीव इस वक्त क्वारंटाइन हुए हुए हैं, उन्होंने कोविड प्लस जरा पॉजिटिव उन्होंने रिजल्ट आए हैं। सो इस करके उन्होंने घर खाने की प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने बाहर जाने साधन नहीं ने। सो इस करके दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अज फैसला लेंदे हुए
यह सुविधा शुरू की है कि असी इतों हैल्पलाइन नंबर जिहड़े मैं तुहानू हुण जारी कर रहा यह हैल्पलाइन के नंबर के जरिए लोग वो लोग जिहड़े जिहड़े पॉजिटिव हो रखे ने जिहड़े अपना वेरवा देंदे हुए साडे रिप्रेजेंटेटिव्स नूं अपना वेरवा देंगे और उन्होंने घर तक गुरु का लंगर पहुँचाने की जिम्मेवारी असी ली है और घर घर तक उन्होंने ये लंगर पहुँचाने वास्ते असी अज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राही संदेश दे रहे हैं सारियां नूं कि किसी के घर के प्रॉब्लम है तो साडी टीम उत्ते तुहाडे कोलों तुहाडे हैल्प लई उत्ते पहुँचेगी। दूजा असी अहम फैसला लिया क्योंकि बैड्स की प्रॉब्लम होने करके और लोग जिस तरीके दे नाल मैं तुहानूं हुणे दस्सिया कि एंबूलेंसिस दे विच वी कई लोगों ने दम तोड़ते हैं कि उन्होंने हॉस्पिटल के कमरे नहीं मिल रहे। हॉस्पिटल के अगर असी गल करिए जिस वक्त लोग पहुँचते हैं तो बैडा के उत्ते नहीं वो वेड़िया के उन्होंने लिटाया जा रहा है जिते प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दिल्ली सरकार ने एक किस्म के अपने हाथ खड़े करते हैं सो अज असी उन्होंने जिते अपील भी की एक लैटर राही लिख के उन्होंने ऑफर किया कि जिहड़ियां साडियां सराहां ने जिस तरीके दे नाल गुरु अर्जन देव निवास जी सराह है साड़ी भी कमरे साढ़े कोल है जेडे बिल्कुल असी कोविड पेशेंट्स वास्ते दे सकते हैं उन्होंने क्वारंटाइन करने वास्ते वो असी उन्होंने ऑफर करते हैं। नाल ही गुरुद्वारा रकाबगंज साहब का जो लंगर हॉल है उन्होंने असी ऑफर कर रहे हैं। नाल ही दमदमा साहब का जो लंगर हॉल है वो वास्ते भी असी उन्होंने लैटर लिखती है कि ये साडे लंगर हॉल जिहड़े हैगे ने तुसी उन्होंने यूज कर सकते हो उत्थे तकरीबन मिला के 1000 बैड तो उपर लग सकता है और उहदे इंफ्रास्ट्रक्चर असी तैयार कर देंगे। मैडिकल फैसिलिटीज जिहड़ियां उत्थे लियानियां ने वह तुसी और अपना स्टाफ इत्थे भेज के इहनूं इत्थे शुरू कर सकते हो सो ये ऑफर दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी च कोरोना वायरस के तेजी नाल वधदे मामलों के मद्देनजर अज जिला अदालतों नूं आदेश दिता कि वह सिर्फ जरूरी मामलों उत्ते वह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही सुनवाई करन। दिल्ली च ऐतवार नूं कोविड 19 के एक दिन में सब तो वध 25,462 नवे मामले सामने आए सन। इत्थे इन्फेक्शन की दर वध के 29.76% पहुँच गई सी। इसका मतलब यह है कि लगभग हर तीजा नमूना जांच में पॉजिटिव पाया गया। इस आदेश तो एक दिन पहला हाई कोर्ट ने कहा कि वह इस साल दायर किए गए मामलों चो 19 अप्रैल तो सिर्फ उन्होंने मामलों पर सुनवाई करेगा जो ज़्यादा जरूरी ने। सबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने दिल्ली के एम्स हस्पताल दाखिल करवाया गया। मिली जानकारी मुताबिक कोरोना वायरस तो रिपोर्ट पॉजिटिव आने तो बाद उन्होंने इलाज लिए एम्स से दाखिल करवाया गया। पंजाब विच लगातार वध रहे कोरोना महामारी के कहर दरमियान पंजाब सरकार ने वड्डा कदम चुकदिया हर ऐतवार को सूबे भर में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। इस दे नाल ही रात को लगन वाले करफ्यू का समा भी बढ़ा दिया गया। हुण करफ्यू रात 8 बजे तो लागू होकर सवेरे 5 बजे तक जारी रहेगा। सरकार वालों कोचिंग सेंटर जिम बार और सिनेमा हॉल 30 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला किया गया। इस तो इलावा ब्याह समागम और संस्कार में 20 तो वध लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। 10 तो वध लोगों के इकट्ठ लई विशेष मंजूरी लेनी पवेगी। ऐतवार को लॉकडाउन मौके बाजार दुकाना मॉल्स मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे जबकि बाकी दिन होम डिलीवरी की छूट रहेगी। हफ्तावारी मार्केटा बंद रहेंगे। इसका फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों पंजाब विच कोरोना के हालात की समीक्षा लिए की गई मीटिंग तो बाद लिया गया। इस दे नाल ही पंजाब सरकार ने कोरोना नियमों की सख्ती नाल पालना करने के लोगों को हुक्म दिए ने। ट्राई सिटी च कोरोना केसां च लगातार वाधा हो रहा है जिसनों वेखते हुए ट्राई सिटी मतलब कि मोहाली चंडीगढ़ के पंचकूला च बुधवार का लॉकडाउन लगाया जाएगा। बुधवार को रामनवमी के मद्देनज़र भीड़ ना इकट्ठी हो इसलिए लॉकडाउन लगाया जाएगा। जिला मैजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर लुधियाना वरिंदर कुमार शर्मा ने सोमवार को जिले में आईलैट्स से होर कोचिंग सेंटर तो इलावा सारे विद्यक अदारा जिमें स्कूल और कॉलेज आदि बंद रखने के आदेश दिए हैं। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर श्री राकेश अग्रवाल कोरोना के शिकार पाए गए हैं। उन्होंने अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया। भारत में वधे कोरोना मामलों के मद्देनज़र ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक बार मुड़ अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। बोरिस जॉनसन 26 अप्रैल तो भारत की यात्रा उत्ते आने वाले सन। बीते दिन जानकारी मिली थी कि जॉनसन ने भारत में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति कारण इस महीने के अंत में प्रस्तावित नवी दिल्ली की अपनी यात्रा की म्याद घट कर दी है पर हुण खबर आ रही है कि उन्होंने भारत दौरा ही रद्द कर दिता है।
भारत च कोरोना का प्रकोप रोकण का नाम नहीं लै रहा। इस हफ्ते विच देश विच कोरोना के 15,34,000 तो वध नवे मामले सामने आए हैं। खेती कानूनों खिलाफ किसान अंदोलन लगातार जारी है। इस दरमियान किसानों ने केंद्र सरकार को टक्कर देने लई नवी बयानबंदी का ऐलान किया है। किसान आगुओं ने अजिहे प्रैस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस दौरान उन्होंने कहा कि संसद भवन घेरन की तरीक का ऐलान जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान दिल्ली चलो मुहिम का आगाज भी करेंगे। सिख पंथ की पुरातन संस्था चीफ खालसा दीवान वालों नवी पातशाही धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के यादगारी 400 साल प्रकाश पर्व में समर्पित नगर कीर्तन खालसाई शानों शौकत ते पंथ करवायता अनुसार सजाया गया। दीवान के मुख दफ्तर तो आरंभ किए गए नगर कीर्तन में चीफ खालसा दीवान के प्रधान निर्मल सिंह, मीत प्रधान डॉक्टर इंद्रवीर सिंह निजर और समूह मैंबर साहबान वालों नगर कीर्तन में शामिल संगतों जी आयन आख्या गया। गुरपुरब की वधाई दी गई। गुरु तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दे आवै ताए सब थाई होए सहाय। अज साहब श्री गुरु नौवें पातशाह तेग बहादुर साहब जी का प्रकाश पुरब कीर्तन के रूप नगर कीर्तन के रूप में मना रहे हैं। नगर कीर्तन चीफ खालसा दीवान के दफ्तर तो चलेगा तो गुरु का महल जाके समाप्ति होगी। बरनाला पुलिस ने सब डिवीजन तपा अधीन आते पुलिस थाणे में वख वखरे मामलों तहत 27 नौजवानों और 4 औरतों को गिरफ्तार किया है। इस मौके जिला बरनाला के SSP संदीप गोयल ने तपा मंडी में प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान दसाया कि मुलजमान पासों एक देसी पिस्टल, 2 राउंड, 1 खोल कारतूस, 1 डुप्लीकेट लाइटर, करोड़ों रुपए का नशीला चिट्टा पाउडर, 1 स्विफ्ट कार, 4 मोटरसाइकिल, 160 किलो भूकी और 20,000 तो वध नशीलिया गोलियां और ट्रांसफार्मरों में चोरी किया 4 क्विंटल तांबा बरामद किया है। फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन चेन्नई तुसी बने रहो चढ़दी कला टाइम TV के नाल। धन्यवाद।